अब समाचार विस्तार से। महबूबनगर दौरे पर आए मंत्री केटीआर और श्रीनिवास गौड़ ने कई विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। दौरे के अंतर्गत मंत्री केटीआर ने डीवीटी पल्ली में अमर राजा गीगा फैक्ट्री के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इससे पहले मंत्री ने केटीआर आईटी टावर का उद्घाटन किया, केसीआर पार्क में बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण का, क्लॉक टावर के उद्घाटन में मंत्री व जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंत्री तलसानी दंपत्ति ने माता महाकाली के दर्शन किए। मंत्री तलसानी ने दंपत्ति स्वर्णा के साथ सिकंदराबाद स्थित श्री उज्जैनी महाकाली देवी के दर्शन किए। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात मंत्री तलसानी व दंपत्ति स्वर्णा ने पंडितों के आशीर्वचन लिए। इसके बाद मंदिर परिसर में बनाए गए वाटर प्लांट का मंत्री तलसानी दंपत्ति ने शुभारम्भ किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तेलंगाना में राजनीति गर्माती जा रही है। खासकर बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी जैसी प्रमुख पार्टियों ने राजनीतिक आलोचना में अपनी गति तेज कर दी है। वे जनता तक जल्दी पहुंचने के लिए नवीन विचारों के साथ आगे आ रहे हैं। बीआरएस से बगावत करने वाले पूर्व सांसद पोंगुलेंटी सुधाकर रेड्डी नई पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग के साथ तेलंगाना रायतू सामाख्या के नाम से एक नई पार्टी पंजीकृत की गई है। कहा जा रहा है इस पार्टी को पोंगुलेंटी के करीबियों ने रजिस्टर कराया है। साइबराबाद कमिश्नरेट में भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने ड्रग मामले में मुख्य आरोपी नाइजीरियाई समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य नाइजीरियाई फरार है। साइबराबाद के सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा, आरोपी A2 ग्रेबियल नाइजीरिया भाग गया। सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा, सूखे मेवों का कारोबार करने वाले चिंता राकेश ने नशे की बिक्री का दरवाजा खोला। चिंता राकेश ने कहा, धंधे में घाटा होने पर उसने ड्रग की सप्लाई शुरू कर दी है। लेकिन सीपी ने खुलासा किया है, राकेश हैदराबाद में इस गिरोह का सरगना है और गोवा से कोकीन की सप्लाई कर रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने गोवा में 7,000 प्रति ग्राम की दर से कोकीन खरीदा और हैदराबाद में इसे 18,000 में बेचा। उन्होंने कहा, हैदराबाद के बाजार में कोकीन की मांग ज्यादा होने के कारण यहां इसकी तस्करी की जा रही है और इसे बेचा जा रहा है। दावा है आरोपियों के पास से 45 लाख रुपए की कीमत का 303 ग्राम कोकीन जब्त किया गया है। इनके पास से 2 कार व 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा, आरोपी A4 सूर्यप्रकाश की गिरफ्तारी से मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा, वे यह पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं क्या ड्रग और कोकीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें पकड़कर NDPS एक्ट की धारा 27 के तहत नोटिस दिया गया। पता चला है यह गिरोह व्हाट्सएप ऐप के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर रहा है। हैदराबाद में ड्रग पार्टियां आयोजित की गई है। उपभोक्ताओं को बुलाया गया और कहा गया वहां ड्रग की आपूर्ति की जा रही है। कहा जा रहा है आरोपियों के व्हाट्सएप ऐप चैट में कुछ प्रमुख कारोबारी है। देश भर में रविवार को मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। 499 शहरों में सेंटर बनाए गए हैं। विदेशों में 14 जगहों पर नीट के केंद्र बनाए जाएंगे और परीक्षा कराई जाएगी। नीट परीक्षा हमारे राज्य में 22 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रदेश में शराब के रेट कम हुए हैं। शराब की बिक्री घटने के कारण राज्य सरकार ने कीमतें दर कम कर दी है। बीवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर मौजूदा विशेष उत्पाद शुल्क को कम करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान नजदीक आते ही पार्टियों का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रोड शो किया है। सड़कों पर लोग कुत्तों का पीछा करते देखना ही काफी है। मांसपेशियां दर्द कर रही है। वे दिन रात अपना प्रताप दिखाते हैं। नतीजतन बच्चे और बड़े सड़कों पर अकेले आने से डरते हैं। जगत्याल जिले में 2 भाइयों के बीच मारपीट हुई। दिन दहाड़े इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यह घटना जिला केंद्र की विजयापुरी कॉलोनी में हयात व ताज नाम के 2 भाइयों की है। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष और सीएम केसीआर के नेतृत्व में महाराष्ट्र से कई पार्टियों के नेता बीआरएस में शामिल हुए हैं। विदर्भ के कई कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने चेन्नूरु विधायक बालका सुमन के नेतृत्व में बीआरएस की सदस्यता ली। आरवी रामटेक और वर्धा नागपुर जिलों के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के नेता बीआरएस में शामिल हो गए। वर्धा जिला आरवी विधानसभा क्षेत्र से
स्वराज शेतकरी संगठन महाराष्ट्र अध्यक्ष जय कुमार शंकर बुलकड़े, भाजपा वर्धा जिला युवा मोर्चा नेता ओबीसी नेता हर्ष जय कुमार बुलकड़े, यादव राव केशव राव भांगे, राजा भाव शेतकड़े, निरंजन पाटिल, रामचंद्र बारगे, सचिन पंडरी, दर्पण तोकसे, भोजराज कौशी, रोशन कुरकुरे, गोपाल गिरडे, मयूर ठाकरे, आशीष धांडे, नौशाद सौदागर, मंगला आदिक्वाकर, मनीष प्रशांत, योगेश आशीष अक्षय बोने बीआरएस में शामिल हुए। शहर में नाला एक बड़ी विकट समस्या बन चुकी है। हालांकि जनप्रतिनिधियों नालों की मरम्मत का लगातार आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आश्वासन के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। आप इसे चाहे अधिकारियों की लापरवाही कहे या जनप्रतिनिधियों की नाकामी, बेमौसम बरसात से न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कलासीगुड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जो घटना घटी उसके लिए विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी प्रमुख कारण है। इसका खामियाजा बच्ची को भुगतना पड़ा और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मंत्री वेमुल प्रशांत रेड्डी ने कहा तेलंगाना शहीद स्मारक का उद्घाटन जून में सीएम केसीआर द्वारा किया जाएगा। मंत्री प्रशांत रेड्डी ने हुसैन सागर के तट पर सरकार द्वारा बनाए जा रहे तेलंगाना शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने कहा महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यदाद्री जिले के पोचमपल्ली मंडल केंद्र में नुक्कड़ सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा 50 दिनों में 620 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ऐलान किया है 3 साल से दुनिया को जकड़े हुए कोरोना संकट का दौर खत्म हो गया है। कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण लगाए गए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को हटाया जा रहा है। फिल्म एक्ट्रेस और कमेंटेटर अनसूर्या अक्सर सोशल मीडिया पर अपने विचार रखती है। इसी क्रम में हाल ही में उनका एक ट्वीट वायरल हो गया है। मैंने अभी एक देखा, क्या आप द शब्द रखते हैं?